अधमं परिक्रमस्य एकादशः दिवसः अस्ति, अर्थात आज मेरे परिक्रमा का 11वां दिन है। ब्राह्मण घाट से हम परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज सुबह का ये ब्राह्मण घाट का अद्भुत दृश्य देख के बड़ा ही मनमोहित हो गया। इस बालक को स्नान करते हुए देख मन कर रहा था कि मैं भी मैया की गोद में ऐसे स्नान करूं। उसके बाद में मंदिर में आरती करते हुए यहाँ पे हमको मैया के आखिरी दर्शन हो पाए हैं। इसके बाद में शायद 4-5 दिनों बाद में मैया के दर्शन होंगे ऐसा सुनने में आ रहा है। यहाँ पे आज हम लोगों का रुकने का प्लान था, लेकिन एकादशी की वजह से यहाँ पे पंचकोशी परिक्रमा एक होती है जो कि हर क्षेत्र में एकादशी पे शुरू होती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन के हिसाब से, अलग अलग महीने में। तो यहाँ पे पंचकोशी परिक्रमा के कारण काफ़ी भीड़ हो गई है। तो हमने सोचा कि हम जो आज अपने वस्त्रों को धोने का कार्यक्रम रख रहे थे उसे स्थगित करा गया है और हम परिक्रमा को और आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए बेहद ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे। मदेहर यहाँ पे कुछ लोग नर्मदा मैया की पूजा करते हुए परिक्रमा मार्ग, जैसे आप ब्राह्मण घाट से आगे निकलेंगे तो गांव से बाहर निकलने के बाद में आपको विश्वनाथ खेड़ा 2 किलोमीटर का सफर करना रहेगा। परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए फिर से कुछ मनमोहक दृश्य आप लोगों के साथ में साझा करते हुए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में नर्मदे हर ज़रूर लिखिए, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। और ये हम लोग श्री रामदेव बाबा मंदिर विश्वनाथ खेड़ा पहुंच गए हैं। 2 किलोमीटर का हमारा सफ़र हो गया है। अभी अभी हमने पीछे यहाँ पे एक चाय और नमकीन का नाश्ता लिया। आगे यात्रा बढ़ रही है हमारी। नर्मदे हर। देखिए कुछ पुस्तकों में जानकारी जो है बहुत ही गलत दे रखी है। मुझे लगता नहीं है, शायद वो पुस्तकों का व्यापार करने के लिए उन्होंने जानकारी गलत दे दी है। खैर मेरा काम है सही बताना। तो ब्राह्मण गांव से जब हम चले थे तो ब्राह्मण गांव से एक चीचली गांव करके और आता है जो कि पुस्तक में बता रखा है 3 किलोमीटर है, लेकिन चीचली जो है यहां से अब 3 किलोमीटर है। जबकि परिक्रमा का जो मार्ग है उसमें ब्राह्मण गाँव से विश्वनाथ खेड़ा जो है 2 किलोमीटर है, और विश्वनाथ खेड़ा से भी हम लोग लगभग 2 किलोमीटर चल चुके हैं, और यहाँ से चिचली गांव जो है 3 किलोमीटर बता रहा है। तो जो सही जानकारी है मैं आपको जो मार्ग पे निशान चिन्हित है और गवर्नमेंट के द्वारा जो किलोमीटर्स बताए गए हैं तो वह बता रहा हूँ। तो आप अपनी परिक्रमा में इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। लोग यहाँ पे आश्रम में रुके टिडगारी खेड़ा में, और हरिराम जी हैं जिन्होंने हमको छाछ पिलाई और एकदम आनंदमय हो गए। बहुत ही बढ़िया छाछ थी, खट्टी मीठी नमकीन और एकदम मस्त, अलग ही स्वाद था। अब यहाँ से हमको 3 किलोमीटर जाना है। 3 किलोमीटर पे लखन गाँव रहेगा और यहाँ से तलवाड़ा जो है 9 किलोमीटर है। तो हम लोग आगे चलते हैं, पहले 3 किलोमीटर की
दूरी तय करते हैं परिक्रमा में, वहाँ भोजन लेंगे और उसके बाद में आगे की यात्रा करेंगे। तो नर्मदे हर, धन्यवाद हरिराम जी इतने अच्छे छाछ के लिए और बाल भोग के लिए। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा मार्ग लखनगांव। तो ये फाइनली हाईवे के ऊपर लखनगांव कैलाश आश्रम पे हम लोग आ गए हैं, और जो 3 किलोमीटर था ना डिस्टेंस, हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा है। सही डिस्टेंस आपको बता दें, और ये मनमोहित कर देने वाली कान्हा जी की छोटी सी प्रतिमा, जिसे कि ये पंचकोशी परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी अपने साथ भजन कीर्तन करते हुए लेके चल रहे हैं। ये बड़ा ही मनमोहक दृश्य है कि सब लोग इस उत्सव में नाच गा कर आनंदित हो रहे हैं, मनमोहित हो रहे हैं। तो आज का दिन यही समाप्त होता है, आज रात्रि में हम यहीं पे विश्राम करेंगे। आगे के आने वाले एपिसोड ज़रूर देखिए, तो उसमें बड़ा ही मनमोहक दृश्य आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और जो यात्रा है बड़ी ही मनमोहक है, कुछ खास जानकारी भी होगी। अगर हमारे ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नर्मदे हर ज़रूर लिखें, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें।